नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड काडर की आईपीएस अधिकारी प्रिया दुबे पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने उनके पति आरपीएफ डीआईजी संतोष कुमार दुबे पर भी कार्रवाई की है। ईडी ने झारखंड पुलिस की आईजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे और उनके पति आरपीएफ डीआईजी संतोष कुमार दुबे की रांची और दिल्ली में स्थित 1,46,00,000 रुपए की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई में दर्ज एक मामले के बिहाफ पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच का भी नतीजा है। ईडी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रिया दुबे, उनके पति संतोष कुमार दुबे और दूसरे के नाम पर खरीदी गई अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष कुमार दुबे और अन्य के खिलाफ 10 जुलाई 2013 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी। प्रिया दुबे और संतोष कुमार दुबे के वर्ष 1998 से वर्ष 2013 के बीच मिले वेतन और दूसरे स्रोतों से होने वाली आय की जानकारी भी इकट्ठा की गई थी। जांच में यह पता चला था कि दोनों ने ज्ञात स्रोत से 1,57,27,000 की आय अर्जित की थी, परंतु उनके पास से 2,65,00,000 रुपए की संपत्ति मिली। सीबीआई ने जांच में पाया था कि प्रिया दुबे और उनके पति संतोष कुमार दुबे ने पद पर रहते हुए अपनी आय से 1,48,00,000 रुपए की अधिक कमाई की थी। जांच में सीबीआई ने पाया था कि दोनों अधिकारियों ने भ्रष्ट और गलत तरीकों से आमदनी कमाई थी। साथ ही अवैध तरीके से हासिल संपत्ति को भी गलत तरीके से अपनी आय के स्रोत के तौर पर बताया। इस मामले में ईडी आगे कार्रवाई कर रही है। आपको जीएन भारत की जानकारी देना चाहेगा कि ईडी ने आईपीएस अधिकारी प्रिया दुबे और उनके पति संतोष कुमार दुबे के रांची के अशोक नगर में 30,00,000 रुपए में खरीदे गए भूखंड को भी जब्त किया है। इसके अलावा रांची में ही ग्रीन व्यू हाइट्स में 43,85,400 रुपए में खरीदे गए फ्लैट को भी जब्त किया है। वहीं दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी में 3 कॉमर्शियल शॉप और एक फ्लैट कीमत तकरीबन 72,40,000 रुपए है, इसको भी ईडी ने जब्त कर लिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।